हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी टारगेटेड बैच नित्य एग्जाम पॉइंटर शुरू कर रखा है, जिसमें आपको मॉर्निंग में बायोलॉजी मैराथन क्लास, शाम को 5 बजे से मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेशन, और फिर 6 बजे से आपका केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, और रात में आपका साइंस एनालिसिस चल रहा है जो स्पीडी के बुक से है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको रेलवे की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और हम लोगों का मोटो है कम से कम 10 सिलेक्शन, ये कम से कम है, इतना मिनिमम सिलेक्शन देना ग्रुप डी और एनटीपीसी को मिला करके। तो हम लोग उस हिसाब से अपनी मेहनत कर रहे हैं। अक्टूबर से आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू हो जाएगी 11 अक्टूबर के बाद से, उसके बाद से और बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस शुरू होंगी। दोस्तों इससे पहले जो मैथमेटिक्स का हम लोगों का क्लास चल रहा है, ये आपका स्पीडी के बुक से टॉपिक वाइज चल रहा है, मतलब चैप्टर वाइज। एक आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, सुरेश और सर करा रहे हैं शाम को 5 बजे से डेली, और ये जो चल रहा है ये आपका टॉपिक वाइज है। तो सारा मैं इसमें 3 अप्रोच बताया था आपको, एक अप्रोच ख़त्म हो गया, दूसरा अप्रोच चल रहा है, इसमें आपका परसेंटेज हो गया था प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम लोग बात करने वाले हैं बट्टा एवं छूट डिस्काउंट पे। इसके बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, उसके बाद पार्टनरशिप और मिश्रण, ये इतने चैप्टर बचे हैं सेकेंड अप्रोच के। थर्ड अप्रोच में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद एडवांस मैथमेटिक्स। तो ये जो 90 डेज टारगेटेड कोर्स चल रहा है उसमें ये सारी चीज़ें की जाएंगी। इसका आपको नोट्स बनाना ताकि आप एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर सकें और आपका रिवीजन हो सके। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने अनुपात समानुपात, औसत, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, कार्य और समय, पाइप और टंकी, चाल समय और दूरी, रेलगाड़ी, नाव और धारा, रेस, प्रतिशत, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस, इतने चैप्टर को हमने फिनिश कर दिया। मेरा अप्रोच है कि आपको एक ही तरीके से, एक ही कॉन्सेप्ट से, एक ही सोच से आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को लगाएं। दोस्तों होता क्या है कि आपको मैं यहाँ पे ट्रिक भी बता सकता हूँ, ट्रिक मैंने पढ़ा, ट्रिक लाके आपको बता दिया, हर क्वेश्चन आपसे सेकेंडों में लग जाएगा, चुटकियों में। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचते हैं तो यदि आप 100 ट्रिक तैयार करके गए हैं तो 10-15 ही याद रहता है, और फिर कुछ समय बाद आप वो भूल जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत थोड़े थोड़े अंतर होते हैं, कहीं प्लस कर देगा, कहीं माइनस कर देगा, कहीं 2 से गुणा करना है, कहीं 3 से करना है, ट्रिक में इस तरीके से अंतर होता है। आप उसको याद रख पाना बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है, इसलिए एक अप्रोच से भले थोड़ा टाइम ले ले 1-2 सेकेंड, क्योंकि रेलवे में टाइम का, यदि आपने जीएस जैसे साइंस स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स आपको आता कम समय में हो जाएगा, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए आपको सफिशियंट टाइम मिल सकता है एसएससी के पॉइंट, एसएससी के कंपेरिजन में, क्योंकि इसमें 90 मिनट का लगभग आपके पास समय रहेगा। तो यदि वहाँ आप समय बचाते हो, यहाँ देते हो, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप, ये थोड़ा समय भी लग जा रहा है, एक ही अप्रोच से चीज़ों को सीखते हैं, तो थोड़ा सा यदि क्वेश्चन घुमाता भी है तो भी आप कर ले जाएंगे। तो हमारा अप्रोच वही रहेगा, आप इसके नोट्स ज़रूर बनाते रहें और ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले छूट एवं बट्टा पे। इससे पहले मैंने जो प्रतिशत बताया था, प्रतिशत, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब मैंने बताया था किसी चीज़ का 100 टुकड़ा कर दें, 1/2 हिस्सा, वही क्या है, प्रतिशत है, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बताया था, लाभ और हानि, उसमें बताया था कि यदि आप किसी सामान को खरीदते हो जितने में, मान लीजिए किसी सामान को आपने 100 रुपये में ख़रीदा, यह आपका हो गया क्रय मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य आपका कॉस्ट प्राइस, और यदि इससे ज़्यादा में बेचते हो तो लाभ और कम में बेचते हो तो घाटा, ये होता है। इसके अलावा आपने और भी देखा होगा कि मार्केट में आप कोई सामान खरीदने जाते हो मॉल में, तो लिखा रहता है 599 रुपये, और छूट इसमें दे करके बोलता है अच्छा 400 रुपये में ले जाओ इसको, 400 रुपये में। तो आप कहते हो अच्छा ये हो गया, जो उस पर लिखा रहता है ये हो गया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, इस पर छूट दिया आपने, कितने का छूट दिया, 199 रुपये का आपने छूट दे दिया, और छूट देने के बाद कितने मिला आपको, 400, मतलब इस दुकानदार ने
599 रुपये का जो अंकित मूल्य था इस पे 199 रुपये का छूट दिया और कितने में बेच दिया, ये जो आपको मिलता है ये मिलता है विक्रय मूल्य। क्या मिलता है? ये विक्रय मूल्य। एक विक्रय मूल्य यहाँ मिल गया आपको अंकित मूल्य के अकॉर्डिंग। दूसरा एक विक्रय मूल्य क्या मिलता है, मान लीजिए कोई कॉस्ट प्राइस 100 रुपये का सामान है और इस पर आपको ये सामान मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य आपका, और इस पर आपको 20 रुपये का फायदा होता मतलब लाभ होता है, और इस लाभ मतलब प्लस 20 इस मिलने के बाद आपने कितने में बेचा इसको, 120 रुपये में बेचा। यहाँ भी मिला क्या, विक्रय मूल्य। तो आपने देखा कि क्रय मूल्य पर जितने में खरीदे यदि लाभ और हानि के अकॉर्डिंग आप करते हो तो भी विक्रय मूल्य मिलता है। अंकित मूल्य पे क्या होता है, लाभ हानि नहीं होता है बल्कि क्या होता है, छूट और बट्टा होता है। तो छूट और बट्टा करने के बाद फिर क्या मिला, विक्रय मूल्य, मतलब दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य मिलता है। अब आप सोच रहे होगे कि इसको याद करें, नहीं आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस चीज़ को इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे उसको आपको ध्यान में रखना है, ओके, इसका एप्लीकेशन। तो हम लोग टाइप वाइज चलते हैं और यहाँ से फिर देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टाइप वन में आप देखेंगे, यहां से मैं क्वेश्चन लूंगा, तरीका मैं अपना सिखाऊंगा, ठीक। एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपए है, एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपए है, 200 रुपया है, वह 175 रुपए में उपलब्ध है, तो उस पर किस दर से बट्टा दिया गया, किस दर से बट्टा दिया गया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 200 रुपये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाता है, कितने में दिया इसको बेचा, 175 में, कितना छूट दे दिया, 25 का ये जो छूट दिया है बट्टा ये। और हमेशा मैंने बताया कि बट्टा या छूट किस पे निकाला जाता है, अंकित मूल्य पे डिपेंड करता है, और लाभ और हानि किस पे डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पे। तो जो मूल राशि होती है, जो मूल होता है वो नीचे होता है, वास्तविक चीज नीचे होता है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना, 200, तो 25 बटे 200, ये 25 अट्ठे 200 हो गया। तो 1/8 का मान आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप गुणे 100 कर देंगे ना, परसेंटेज मिल जाएगा, तो 100 करके तो 12 अट्ठे 96, 12 सही 1/2%। तो उस पर कितने परसेंट का बट्टा दिया गया, 12 सही 1/2% का बट्टा दिया गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से सिंपली आपसे रेलवे में इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ओके। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, टाइप वन में ही। 5000 रुपये के बीजक पर 10% बट्टा काट कर बिल की कुल राशि क्या होगी, ये बताना आपको कि बट्टा को घटा दो फिर कितने में वो मिलेगा, मतलब विक्रय मूल्य ही बताना है, ठीक है। तो 5000 रुपये है, 10%, अच्छा 10% कहीं मिले, इसका मतलब क्या हुआ, 1/10 क्या है, बट्टा, बट्टा मतलब घाटा, कमी, बट्टा मतलब कमी होता ना, 10 में से 1 की कमी हुई, कितना बचा, 9 बचा। ये जो आता है बट्टा में से, ये अंकित मूल्य में से ये बट्टा को घटा दे, ये मिलता है विक्रय मूल्य, और ये क्या हो गया, अंकित मूल्य, यही तो मिलता है। अब यहाँ पे क्या है, 5000 रुपये के बीजक पर, मतलब जो अंकित मूल्य है 5000 रुपये, यहाँ देखो अंकित मूल्य कितना, 10 रुपये, तो 10 = 5000 के, तो 1 = हो जाएगा 500 के, तो 9 = कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 गुणा हो जाता ना, एकाकी नियम, ये आपका यही क्या हो गया, आंसर। तो कुल राशि क्या होगी, 4500 रुपये होगी, ठीक। अब ये मैं जो बता रहा हूँ अभी इसी से हम पूरे चैप्टर को लगाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट से आपको इसको ध्यान में रखना है, ओके।
अब हम लोग बात करते हैं टाइप टू। टाइप टू 10% और 20% की दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा? 10% और 20% की दो क्रमागत छूट व क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा? अब यहाँ पे आपको ट्रिक लोग बताते हैं वही कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसको कर दो निकल जाएगा। ठीक है, यदि ये छोटे छोटे आसान है तो यहाँ निकालना, ये तरीका लगाना ठीक है, लेकिन यही चीज़ अभी बोल देता है कि 16 सही 2/3% और 66 सही 2/3% की दो क्रमागत छूट एक का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, तब आप क्या करोगे, तब ये लगेगा, बर्बाद हो जाओगे। तो कहने का मतलब हमें ऐसा अप्रोच जो सब जगह लग जाए। आप बाद में ट्रिक भले तैयार कर लो लेकिन तरीका आप जरूर सीख लो। तरीका सीखे रहने से क्या होगा कि यदि आप ट्रिक भूलते हो, कन्फ्यूजन होता है या टफ क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पे ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो मैं यहाँ तरीका सिखा रहा हूँ, जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे सुरेश सर जो पढ़ा रहे हैं वहाँ भी आपको ट्रिक वगैरह सब कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। और आपको किताबों में ट्रिक तो किताबों में मिल ही जाता है, उसको तो रटना पड़ता है ना, तो ट्रिक तो मिल ही जाता है, आपको तरीका सीखना है। ओके, तो 10% और 20% की दो क्रमागत छूट, क्रमागत से मतलब क्या हो गया, ये 10 और 20% की छूट का मतलब क्या हुआ, 10% और 20% मतलब हो गया 30%, इसका मतलब ये होता है पूरा। लेकिन क्रमागत का मतलब क्या हुआ कि पहले 10% दिया, मान लो 100 रुपये का सामान, 10% छूट मतलब 90 रुपये मिला, फिर 30% की जो छूट होगी वो 100 रुपये पर नहीं बल्कि किस पे, 90 रुपये पे दिया जाएगा। तो इसका 9 * 3 = 27 घटा दो, आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉरी 63 = 7 = 70 = 80 = 90 63 आ जाएगा। और वैसे करते तो कितना आता, तब तो 70 आता ना, 100 में से 30% घटाते 70 आता, देखो डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये क्रमागत छूट है, क्रम से एक बार 10% एक बार 20% और ये टोटल छूट था 30%। तो ये चीज़ हमें देखना है। ओके, तो इस प्रकार का जब प्रश्न हो, अंतर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्रमागत छूट का मतलब क्या है। तो इसको कैसे लगाएंगे, हम लोग कैसे लगाएंगे, तो 10% का मतलब कितना हुआ, आप ऐसे बताओ 10% का बट्टा या छूट का मतलब कितना हो गया, 9/10, इतना कर ले जाओगे आप कि नहीं। फिर 20% का मतलब होता है, आप जानते हो यदि 1/5, 20% का मतलब 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5, छूट देने के बाद यही तो होता है। अब आपस में दोनों को गुणा करो, देखो दोनों को गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 9 * 4 = 36 और नीचे वाले 10 * 5 = 50, ये आ गया 36, ये आ गया 50, 50 था अंकित मूल, अभी ये 36 हो गया, कितना देखो छूट मिल रहा है, 14 का मिल रहा है कि नहीं, तो 14/50 और गुणे 100, 50 * 2 = 100 कितना आ गया, 28%। तो ये 28% ही आपका क्या होगा, समतुल्य छूट होगा। वैसे क्या आ रहा था, 10% 20%, जब ऐसे टोटल छूट होता तो क्या होता, 30 आता, लेकिन जो क्रमागत छूट होने की वजह से कितना आ रहा है, 28% आ रहा है। ओके, तो क्या करोगे आप, 10% की छूट मतलब 1/10% का मतलब 1/10, छूट मतलब 9/10, 20% का मतलब 1/5, छूट मतलब 4/5, 9 * 36 = 10 * 5 = 50, ये आ गया 36 छूट के बाद ये, और ये अंकित मूल्य था। ओके, अब देखो इस हिसाब से मतलब ये विक्रय मूल्य आता है, ये विक्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य आ गया। ये देखो 10 में से एक की छूट दी तो कितने में बेचोगे, 9 में बेचोगे, 5 में से एक की छूट दी कितने में बेचोगे, 4 में, ये विक्रय मूल्य तो है, तो विक्रय मूल्य आपका 36, ये हो गया अंकित मूल्य 50। इस हिसाब से देखो 14 की कमी हुई, यही तो छूट दिया होगा, 50 में से 36 है, 50 लिखा हुआ है उसमें और 36 में बेचा, इसका मतलब 14 की छूट दिया, 14/50 * 100, ये हो गया आपका 28%, यही हो गया समतुल्य बट्टा या समतुल्य छूट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन टाइप 3 पे चलते हैं। ये तो दो राशियों का था, 10% 20%, ये 3 का आ जाए तब क्या करोगे कि 30% 20% तथा 10% 30% 20% तथा
10% लगातार छूट का केवल एक समतुल्य छूट क्या होगा, छूट क्या होगा, ये प्रश्न यदि आपका आ जाता है तब आप क्या करोगे। तो सेम आप कुछ लोग बताएंगे इजी है, तब तो आप कर ले जाओ कि 30 किया माइनस 30 माइनस 20, फिर गुणा करोगे 3 × 6 प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता बटे 100, 30 20 50 में से कितना आ गया 44 आ गया, माइनस 44। उसके बाद 10 के साथ करोगे, तो इस तरीके से भी लगाते हैं ट्रिक से। लेकिन ये ट्रिक ना आपको आता हो, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में किए वैसे करना हो तब क्या करोगे, 30% छूट का मतलब 3/10 होता, छूट दिए मतलब 7/10, 20% का मतलब 4/5, 10% छूट देने के बाद 9/10, ये हो गया आपका। यदि आपको नहीं आता है तो आप परसेंटेज वाला चैप्टर देखें, ये चीज़ आप समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि 20% का मतलब हमेशा 1/5 होता है। छूट दे दिए, एक की छूट दिए 5 में से कितना बचा 4/5, 10% का मतलब 1/10, एक की छूट दे दी कितना हो गया 9/10। अब इसको क्या करोगे, अब आपको गुणा करना है, 7 × 4 = 28, अब आप 9 से गुणा करना है तो 28 को डायरेक्ट 9 से गुणा मत करो, 20 को पहले, 2 × 9 = 18, लेकिन ये 28 था, देखो 28 था, इकाई दहाई, दहाई है, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 20, हजार का मतलब 30, तो आप 2 से गुणा करोगे 2 × 9 = 18, 18 को 18 नहीं समझेंगे, 0 लगाओगे क्या आ जाएगा 180 हो गया, और 8 × 9 = 72, 180 में 72 जोड़ दो कितना हो जाएगा 80 × 90 = 100, 200 हो गया, और 52 कितना हो गया 252 हो गया, और यहाँ गुणा करोगे 10 × 5 = 50 × 500, ये हो गया 252, हो गया 500, इस हिसाब से कितनी छूट लग रही है देखो यहाँ पे, तो आप देखोगे 248 की छूट लग रही है, 248 और आपको कितना ही है 500 × 100 कितना हो जाएगा, 5 से काटो 5 × 4 = 20 और 5 × 9 = 45, 3 × 48 है ना, 3 × 5 = 30, तो कितना आ गया समतुल्य छूट 49.6%। तो इस तरीके से आप इन सारे प्रश्नों को लगाएंगे, ओके। अब इस वाले में जो छोटा छोटा वैल्यू रहता है उसका तो ट्रिक से करना आसान होता है, मान लीजिए यही वैल्यू ऐसे हो जाती 30% और कर देता 16 × 2/3%, तब आप क्या करते हैं उससे लगाते बर्बाद हो जाते, तो आप क्या करते 30% मतलब 7/10 और 16 × 2/3 का मतलब होता है 1/6, तो कितना हो जाता 5/6 और इसका कितना हो जाता 9/10, अब करते 7 × 5 = 35 और 3 × 9 = 27, 270 और 5 × 9 = 45, 70 में 45 जोड़ोगे 70 × 3 = 315 कितना हो जाता 315 और 10 × 6 = 60 और इस कितना हो जाता 600, कितने की कमी हो रही है आप देख लो यहाँ पे, तो आप बोलते 285 की कमी हो रही है, 285 की और बटे 600 × 100 इस हिसाब से करते हो क्या आ जाता है 6 × 24 = 4, 45 × 6 = 42, 3 × 6 = 35 कितना आ जाता 47.5%। तो देखो आपका जब ये वाला जो मेथड है इसे इस तरीके के प्रश्न आपके आसानी से लग जाएंगे, कहीं मान लो 12.5% दिया है, इसका मतलब क्या हो 12 × 8 = 96, तो मतलब 1/8, 1/8 को क्या बोल सकते हो 7/8, 8 में से 1 की छूट दिया 7/8, तो ये आसान रहता है, ठीक है। तो इसलिए भिन्न वाला मेथड ये अप्रोच आप सीखो बेहतर रहेगा। तो अब 3 का भी आपको आई होप समतुल्य बट्टा निकालना आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 4। मोहन अपने वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है एवं बेचते समय उस पर 10% की छूट भी देता है, इस व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहां पे दो अप्रोच कर सकते हैं, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये 20% बढ़ाकर अंकित करता है, उसके बाद बेचते समय 10% की छूट दे देता है,
इस व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा तो आप कहोगे अरे इसको कैसे लगाएं, 100 माने 120 के इस हिसाब से आप करते हो। तो ये आसान है, 20% कर दिया तब तो आपने लगा लिया, लेकिन मान लो 16 से 2/3% कर देता तब क्या करते, तब तो बर्बाद हो जाते ना। तो हमें करना क्या है, 20% बढ़ाकर अंकित, मतलब 20% को 1/5 बढ़ा के करोगे क्या हो जाएगा, 6/5, इतना लिख सकते हो आप। दूसरा 10% की छूट, 10% की छूट का मतलब 1/10, छूट मतलब 9/10। ये जो आता है ये देखो बढ़ाकर अंकित करता है, ये होता है अंकित मूल्य, ये बढ़ा के घटा के कर रहा है उसका मूल्य, तो अंकित मूल्य नीचे हो गया। ये क्या आ गया, ये विक्रय मूल्य आता है ना, बढ़ा के 6 रुपये में बेचे, 5 रुपये लिखा है उस पर लेकिन 6 रुपये में आपने सॉरी बढ़ाकर अंकित कर देता है, सॉरी ये क्या है सीपी, ये है क्रय मूल्य, और इस क्रय मूल्य पर 20% बढ़ा के अंकित किया, मतलब ये क्या हो गया मार्केट प्राइस एमपी, अंकित मूल्य हो गया 6 रुपये। यहाँ पे क्या है 10% का छूट दिया, इसका मतलब ये क्या है, छूट किस पे दिया जाता है मार्केट प्राइस पे ना, अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य पे 1 रुपये छूट देने के बाद कितने में बेचा, एसपी कितना है 9 रुपये। तो एक जगह है एमपी है 10, एक जगह है एमपी 6, एक जगह है एमपी है 6 रुपये, अंकित मूल्य 6 रुपये, एक जगह है 10 रुपये। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही वस्तु का एक जगह 6 रुपये लिखा एक जगह 10 लिखा हो, नहीं ना, जब हम उसी वस्तु की बात कर रहे हैं दोनों सेम होना चाहिए। सेम लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लासा लेकर के उसका गुणा करते हैं, तो 6 और 10 का लासा कितना आएगा, यदि ये नहीं पता तो आप डायरेक्ट गुणा कर दो, इसमें 10 से कर दो और इसमें 6 से कर दो, ठीक। तो यदि नहीं आता है तो आप लासा लो, 30 आएगा, 10 और 6 का लासा 30, यहाँ 5 से गुणा कर दो, यदि ऊपर करोगे तो नीचे भी करना, और यहाँ किससे गुणा कर दो, 10 3 30, यहाँ 3 से कर दो। इस हिसाब से करने पे क्या आ गया, 6 5 30 और 5 25 और 9 3 27 और 10 3 30, ये क्या था मार्केट प्राइस, देखो 30 30 आ गया ना, 30 30 सेम हो गया कि नहीं। अब कितना छूट दिया आपने, 30 रुपया लिखा था उस पर आपने कितने में बेचा उसको, 27 रुपये में बेचा, 30 रुपये लिखा था 27 में बेचा, कितने का छूट दे दिया आपने, 3 रुपये का छूट दे दिया, 3/3। और जो छूट या बट्टा निकालते हैं वो अंकित मूल्य पर निकालते हैं, तो ये देखो 30 है ना अंकित मूल्य, तो 3/3 क्या कर दिया आपने, 30 और गुणे 100 3 2 30 कितना आ गया 10%। तो उसका छूट क्या हो गया 10%। इस व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, अच्छा ये पूछा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ बताना है, तो लाभ कितने का है, यहाँ पे देखो 25 रुपये में खरीदा था और 27 रुपये में बेच रहा है, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, तो कितने लाभ हो रहा, 2 रुपये का लाभ हो रहा, 2/25 और गुणे 100 25 चौका 100, 4 × 2 = 8% का लाभ, तो लाभ आपका कितना हो गया 8%। यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होगे। अब आप सोच रहे होगे कि इस क्वेश्चन के लिए मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, केवल इस क्वेश्चन के लिए नहीं बल्कि पूरे चैप्टर के लिए, ठीक है, अभी आप आगे देखते जाओ। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा, यदि कोई भी दो वैल्यू एक ही चीज़ के लिए अलग अलग आए तो कभी गलत चीज़ है, उसको हमें सेम रखना पड़ेगा बराबर, और बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं लासा लेकर उसमें गुणा करते हैं, ओके। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, अभी और भी मिलेगा, इस चीज़ का हम और यूज करेंगे। अब देखते हैं टाइप 5 में, एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपये में खरीदता है, ओके, क्रय मूल्य दे दिया, वह उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 15% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो, ये आपका प्रश्न हो गया, ठीक है। तो आप हमें बताओ इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट आप जब इस प्रकार का स्पेसिफिक प्रश्न रहेगा कि ऐसे ही प्रश्न आ जाए तब आप क्या करोगे, पहले मैं प्रश्न लिख देता हूँ, एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपये में खरीदता है, वह उस वस्तु को उस पर कितना मूल्य अंकित करे, अंकित मूल्य निकालना है, कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 15% की छूट देने
के बाद भी 20% लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार का जब प्रश्न रहे, यहां एक का मूल्य दे दिया है, अंकित मूल्य या क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कुछ भी दिया रहे, उसके बाद कुछ भी प्रोसेस करे, तो वहां हम एक ट्रिक लगा सकते हैं तरीका कि आखिर होगा क्या। यदि उसे 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा होगा कि कम? तो आप बोलोगे लाभ हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा रहा होगा। तो ज्यादा लाने के लिए बड़ी संख्या से गुणा करते हैं कि छोटी से? तो आप बोलोगे बड़ी संख्या से। यदि बटे में हम कोई चीज बड़ा लिखें, जैसे मान लीजिए 1/2 लिखा है, 1/3 लिखा है, 1/5, इसमें छोटा कौन है सबसे? तो आप कहोगे ये वाला छोटा है। देखो 5 से 0.2 आएगा, इसका करोगे तो 0.33 आएगा, इसके करोगे तो 0.50। देखो कौन बड़ा है, यही तो बड़ा है। तो यहाँ पे जितनी छोटी राशि होती है वो संख्या बड़ी होती है, और जितना इसको नीचे बढ़ाते जाओगे व्युत्क्रमान पाती, ये वैल्यू जितनी बढ़ेगी मान उतना ही छोटा आएगा। तो जाहिर सी बात है, नीचे बड़ा तो मान छोटा, इसका मतलब उससे गुणा करेंगे जिसके नीचे का मान छोटा हो। नीचे मान क्या हो? छोटा हो, तो वो वैल्यू बड़ी आएगी, उससे गुणा कर दें तो भी आ जाएगा। तो इसको तो आप डायरेक्ट ऐसे, इसका चूंकि अंकित मूल्य कितना मूल्य अंकित करें ये वाला प्रश्न है, तो इसमें तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 850 है। अब बड़ा लाने के लिए क्या करोगे? 20% का लाभ होने पर क्या करते हो? 120 करते हो ना, जोड़ देते हो। हानि या छूट होने पर क्या करते हो? घटा देते हो। तो 120/85 ही करें, 15% की छूट ये करें तो बड़ी वैल्यू आएगी, कि 85/120 से गुणा करें तब बड़ी वैल्यू आएगी। तो आपको पता है कि नीचे यदि बड़ा मान है, ये बड़ा है, तो इसकी वैल्यू छोटी होगी। तो बड़ा वैल्यू लाने के लिए हमें ये वाला ही ऐसे ही गुणा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से आप यदि गुणा कर देते हो तो आपको तुरंत अंकित मूल्य मिल जाएगा, 85 10 हो गया और 1200, मतलब अंकित मूल्य कितना होगा? 1200 रुपये। ये आ गया आपका डायरेक्ट इस तरीके से, इस प्रकार के प्रश्न में। लेकिन यदि हम अपने अप्रोच से लगाना चाहें तो उससे कैसे लगेगा, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ₹850, अच्छा ओके, 15% की छूट का मतलब हुआ 3/20, छूट दे दिया आपने, 17/20 हो गया। 20% का लाभ हो मतलब 1/5, लाभ होने का मतलब 6/5 हो गया। ये जो लाभ हानि होता है क्रय मूल्य पे होता है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस हो गया। ये अंकित मूल्य हो गया MP, और ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। एक तरफ सेलिंग प्राइस 17 है, एक तरफ 6 है। कभी ये पॉसिबल होगा कि दो चीज एक ही वस्तु का एक जगह 17 है सेलिंग प्राइस, एक जगह 6? नहीं। जब उसी की हम बात करें, दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ 6 से गुणा कर दें और यहाँ 17 से गुणा कर दें, तो क्या आ जाएगा? 17 × 6 = 102 और 20 × 6 = 120, और हो जाएगा 17 × 6 = 102 और 17 × 5 = 85। इसके अकॉर्डिंग आ गया। ये क्या है? ये क्रय मूल्य है, और इसी क्रय मूल्य 85 है, और यहाँ कितना दिया? 850 रुपये। 85 = 850, तो 1 = किसके? 10 के। और MP पूछा ना अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है? 120 ही तो है, देखो 120, तो 120 = कितना हो जाएगा? 1200 के। तो ये हम लोगों के तरीके से ये प्रश्न लग गया, इस तरीके से हम करेंगे। देखा आपने जो टाइप 4 में मैंने तरीका बताया था, उसी अप्रोच से ये प्रश्न भी लग गया। अभी देखिए मैं अलग अलग तरीका आपको बताऊं, इसके लिए ये लगाना, उसके लिए ये लगाना, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो। लेकिन एक ही अप्रोच से लगाओगे तो कैसा भी क्वेश्चन दे, कितना भी अलग अलग टाइप हो, उसको हम भले थोड़ा टाइम लगेगा, ये सब हमको करने में इतना टाइम लग रहा, नहीं तो 3/20 लिखने की क्या जरूरत? हम डायरेक्ट 17/20 लिखते और 6/5 लिखते, यहाँ 6 गुणा करते, इसका 17 × 6 यहाँ देख लेते हैं, 20 × 6 = 120 और 17 × 5 = 85 = 850, 1 = 10, तो 120 = 1200 डायरेक्ट ही लग जाता आपका सेकेंडो में। ठीक है, इतना कैलकुलेशन भी ना करना पड़ता। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आप दोनों अप्रोच लगाओ, लेकिन जो एक अप्रोच सीखो आप तो ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद आप ट्रिक सीखो। मान लो ट्रिक आप भूल रहे हो तो इसी अप्रोच से लगा ले जाओ, ठीक है, क्वेश्चन ना छोड़ के आओ। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 6 पर। टाइप 6, किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर
अंकित करना होगा, अंकित करना होगा ताकि अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी दुकानदार को 40% का लाभ प्राप्त हो। यह आपका प्रश्न हो गया, किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखें कि अंकित करें ताकि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 40% का लाभ प्राप्त हो। अब ये भी आप देखोगे, यहाँ मैं टाइप वाइज करा रहा हूँ ना, कि लग रहा है तो टाइप 6 है, ये तो अलग प्रकार का प्रश्न है, लेकिन हम लोग उसी अप्रोच से लगाएंगे जो टाइप 4-5 में लगाए थे, वही अप्रोच। तो 20% की छूट का मतलब कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप देखो 4/5 छूट या बट्टा किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे, मतलब मार्क्ड प्राइस पे, और ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस मिलता है। छूट देने के बाद 5 रुपए का सामान 4 में दे रहे हो, बेच रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य। 40% का लाभ होगा, 40% को क्या बोलते हो, 2/5। नहीं आता है तो ऐसे करके देख लो भाई, 40% हटाते हैं परसेंटेज, उसका मतलब होता है 1/100, 20 × 40 = 20×5 = 100, 2/5 आया ना, यही तो करते हैं। तो हो गया आपका 40% का मतलब हुआ कि 2/5, और इसका मतलब हुआ 7/5। ये हो गया सेलिंग प्राइस, और लाभ और हानि किस पे निकाला जाता है, सीपी पे। एक तरफ सेलिंग प्राइस 4 रुपये, एक तरफ 7 रुपये, कभी पॉसिबल है, नहीं, सेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ 7 से गुणा कर दो और यहाँ 4 से गुणा कर दो दोनों का आपस में, तो ये क्या हो गया, 7 × 28, तो 7 × 5 = 35, ये हो गया 7 × 28 और 5 × 20, क्या हो गया, 7 × 28 और 5 × 20, ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया अंकित मूल्य। अब 20 रुपये के सामान पे क्या लिखा है, 35 रुपये लिखा है, तो कितना बढ़ा के लिखा है आपने, यही तो पूछा है कि अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखे, वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखे। तो 20 रुपये के सामान को 35 में, मतलब 15 रुपये बढ़ाकर लिखे, 15/20 × 100, 20×5 = 100, 15/5 = 75%, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखे, 75% बढ़ाकर लिखे। आई होप आप समझ गए हो गए। ये हो गया आपका टाइप 6। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 7 पे। कुछ भी दे आप देखो, बस तरीका हमारा वही रहेगा। ओके, किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया गया, उस पर कितना प्रतिशत छूट दिया जाना चाहिए कि 8% का लाभ हो। किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया गया है, उस पर कितना प्रतिशत छूट दिया जाना चाहिए, प्रतिशत छूट दिया जाना चाहिए ताकि 8% का फायदा हो सके। हर टाइम में इसने ट्रिक लगा दिया है, वो चीज हमें करना ही नहीं। 20% बढ़ाकर अंकित किया गया, कोई बात नहीं, हमने लिख दिया 6/5। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर लिखने का मतलब क्या हुआ, बढ़ाकर जो लिखते हो वो होता मार्क प्राइस, और ये क्या है, सीपी। ये क्रय मूल्य का देखो, बढ़ाकर लिखे ना, 5 रुपए के सामान को 20% बढ़ाकर लिखे, मतलब कितने में लिखे, 6 रुपए में। 5 रुपए का सामान है, आपने लिखा 6 रुपया, फिर क्या कह रहा है, उसे 8% का फायदा हुआ। 8% का मतलब क्या होता है, 8% 4 × 8 2/25 होता है ना। 8% का मतलब देखो, 8 को 4 से काटो, 4 × 8 और 100 को काटते तो 25 आता है, तो 2/25 लाभ हो रहा है, इसका मतलब 27/25। ये क्या हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य और ये लाभ क्या हो गया, एसपी। एक तरफ क्रय मूल्य 5 रुपये, एक तरफ क्रय मूल्य 25 रुपये है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं ना, सेम होना चाहिए।
इसका मतलब है दोनों का लासा देखो 25-5 का लासा तो आ जा रहा है, 25-5 का लासा 25 ही तो होगा, तो आप आसानी से कर सकते हो, नहीं तो यहाँ भी 25 से गुणा करो, यहाँ 5 से करो, क्या मतलब है उसको, तो यहाँ 5 से केवल गुणा कर दे, देखो ये भी 25 हो जाएगा, ये तो 25 है ही, तो 6 × 5 = 30 और ये हो गया 25 और ये 27/25 है ही, देखो यहाँ भी क्रम मूलक बराबर आ गया ना, ये भी 25 और ये भी 25। अब कितना प्रतिशत छूट दिया जाना चाहिए, ये एमपी है, देखो मार्क प्राइस 30 रुपये, 30 रुपये के सामान को कितने में बेच रहा है, 27 रुपये में बेच रहा है, कितने का छूट दिया, 3 रुपये का छूट दिया, और जो छूट या बट्टा होता है वो अंकित मूल्य पे निकाला जाता है, तो 3/30 और जो मूल चीज होता है वो नीचे आता है, तो 3/30 गुणे 100 3 × 30 कितना आ गया 10%। तो देखा आपने कि अलग अलग टाइप है लेकिन उसको हम एक ही तरीके से लगा रहे हैं। ओके, क्या अप्रोच की, बस इतना चीज समझना है कि एक ही चीज में कोई भी दो वैल्यू अलग अलग नहीं आ सकती है। ओके, और यदि अलग अलग दिया तो उसको सेम कर लो, सेम करने के लिए लासा लेके करते हैं। अब हम लोग करते हैं टाइप 8। किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपये, सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य, किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपये है, यदि वह 10%, 8% तथा 5% की बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपने प्रतिशत लाभ और हान में भी देखा था कि किस तरीके से किसी का विक्रय मूल्य निकालना है, खर्चा वाला, तो क्या करते थे, उसको लेते थे मूल वैल्यू को, फिर वृद्धि हो रही तो प्लस करके ना गुणा करते जाते थे, लास्ट में आ जाता था रिजल्टेंट। एक तो वो तरीका है, तो उस तरीके से यदि आप करना चाहो तो भी कर सकते हो। दूसरा क्या कि 10%, 8% और 5% का समतुल्य बट्टा निकालो, उस आधार पर करो विक्रय मूल्य, तो भी निकल सकता है। लेकिन जब हम अंकित मूल्य पे छूट देते हैं, छूट देने के बाद हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य तो मिलता है, छूट देने के बाद विक्रय मूल्य तो मिलता है, तो इस अंकित मूल्य पर यदि हम छूट देते हैं तो विक्रय मूल्य डायरेक्ट पा जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट गुणा करके जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे उसी तरीके से, क्योंकि इस वाले प्रश्न में यदि हम अपने अप्रोच से करें तो भी लगेगा, लेकिन ये प्रश्न बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, गुणा करना ये सब बहुत थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो जाएगी, तो उस तरीके से हम लोग नहीं करेंगे। ओके, तो सिंपल 10% का मतलब क्या हो गया 9/10, 8% का मतलब क्या हो गया 92/100 कर सकते हैं ना, 92/100, फिर 5% का मतलब क्या हो गया 95, देखो 1/5% का मतलब 1/20 ना, 19/20 कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लिखना चाहो यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप ऐसे करोगे 95/100 इस तरीके से। अब डायरेक्ट यही तो गुणा करते थे, फिर जो आता था अंतर वो बटे इस पूरे से भाग करते थे, गुणे 100 करके वो समतुल्य बट्टा निकलता था। सेम उसी चीज़ का जो आएगा वो गुणा करेंगे हम, तो अभी तुरंत ही गुणा कर लेते हैं, तो 1200 गुणे ये जैसे ही करोगे आप, ये देखो कट जाएगा, ये कटेगा 2 × 2 = 8, 2 × 6 = 12, और अच्छा ये तो 4 से डायरेक्ट कट जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 और 25, 23/25 हो गया, ये 19/20 हो गया, डायरेक्ट ऐसे आप कर सकते हो। ओके, आप ऐसे देख लो कि 1200 10% मतलब 9/10, 4% का क्या होता है, सॉरी 8% को 4 से काटो तो 2 आएगा, 2 100 भी कटता है 4 से 25 बार में, 25 में से 2 घटाओ कितना आएगा 23/25, और 5% का मतलब 1/20, 20 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा 19/20। अब इसी को आप गुणा कर लो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ से हम लोगों ने किया, ये जीरो कटा, एक जीरो और कट किया, दो से दो छक 12 हो गया। अब आप इसको गुणा करोगे, गुणा करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी, 9 छक 54, आप ऐसे गुणा कर लो, अच्छा तब भी वो डिफिकल्ट ही आएगा, उसी तरीके से लगाना पड़ेगा, ठीक है। 9 छक 54 और ये क्या हो गया आपका 23 × 19/25। ये देखो 5 है, 50, 50 × 100, 1000 हो गया। इसको आपको गुणा करना पड़ेगा, गुणा करने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी वही आपका आंसर होगा। आप डायरेक्ट ऐसे करो, 25 × 50, दशमलव लगाया 40 हुआ, 25 × 25 और फिर 15 बचा, 25 × 150, 2.16 आया। तो 23 × 46 और 46 × समथिंग 800 के करीब आएगा, 800, 900 जो भी, इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा गुणा करके। अब यहाँ गुणा करके बताना वो तो आपका काम है ना, गुणा करना, गुणा यहाँ मैं गुणा करके बता भी दूंगा तो ये थोड़ी नहीं कि आपको आने लगे, गुणा तो आपको खुद करना है, ठीक है। और गुणा करना कुछ इजी अप्रोच, मैं जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊँगा वहाँ बताऊँगा, ओके। क्वेश्चन नंबर इसी में अगला, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे 575 रुपये में 2 बट्टा देकर बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा क्या होगा। यहां पे अंकित मूल्य दिया हुआ है, यदि हम अंकित मूल्य पे बट्टा निकालने बाद क्या मिल जाता हमें, विक्रय मूल्य तो मिल जाता है, तो 800 रुपये है, रुपये में 2 बट्टा देकर बेचता, विक्रय मूल्य भी यहां 575 दिया और अंकित मूल्य दिया है, तो आप तो एक तरीका ये 800 और पहला 10% है मतलब 9/10 और दूसरा आपको नहीं पता है तो 100/100 कर लो आप और बराबर 575 ये कर दिया आपने, ये 2 जीरो कट गया, x बराबर आ गया 10 से गुणा हो जाएगा 5, 7, 5, 0 और ये हो जाएगा 8 और 9। अब इसको आप काटोगे, 9 छक 54, 3 × 35 हुआ, 9 × 27, 8 हुआ 80 हुआ, 9 × 72 फिर 80 हुआ, फिर 9 × 72 ये आ गया, ठीक है। 8 से काट दो, 8 × 7 = 56, 56 फिर कितना बचेगा, 56 × 4 = 60, 3 = 7 हुआ, 78 हुआ, 8 × 9 = 72 फिर बचा 6 = 68 हुआ, फिर 8 × 8 = 64 हुआ, 48 × 8 = 48, 69.86 इतना आया, तो 100 में से इतना आ गया, कितना इसने छूट दिया रहा होगा, तो देखो 86 × 4 = 90 मतलब 14 ये हो गया, फिर 79 है ये कर दिया आपने, 80 हो गया मतलब 20 के आ गया 14, तो आपका जो दूसरा बट्टा होगा वो लगभग कितना होगा, 20% के बराबर होगा दूसरा बट्टा आपका 20% के। अच्छा ये जो है 575 ना हो करके इसमें जो दिया हुआ है 576 है, ये कितना है 576 है, इसलिए तो यहाँ 576 आप करोगे तो ये आसानी से कट जाएगा, देखो 9 से काटो 9 फिर 36 हुआ, 9 × 36 कट जाएगा ना पूरा, तो लगभग ये 20% आएगा, ओके यही आपका आंसर होगा।
आई होप ये चीज़ आप समझ गए होगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि 800 रुपये अंकित मूल्य 10% का मतलब होता है 9/10। अंकित मूल्य यहाँ 10 हो गया और बेचे कितने 9 में, तो 10 बराबर दिया है 800 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 80 के, 9 बराबर हो जाएगा 720 के। ये हो गया विक्रय मूल्य ना, SP यहाँ मिल गया। ओके, पहली बार ये हो गया। अब इस पर फिर एक छूट दिया गया, वो चीज़ आपको निकालना है। तो वो देखो, छूट देने के बाद कितने बेचे आप, 576 में, 720 को 576 में बेच रहे हो, कितने का हो गया, तो आ गया 20, 10 में से 6 गया 4, 11 में 7 गया 4, 144 हो गया। 144 का आपने छूट दिया और कितने के हिसाब से दिया, 720 के हिसाब से दिया ना, 720। अब अगले के लिए जो क्रमागत बट्टा होता है वो पहले के लिए, फिर जो छूट होने के बाद जो मिलता है, फिर वो अगले बट्टे के लिए अंकित मूल्य का काम करता है। तो 144 बटे 720 गुणे 100, ये देखो 5 बार में जाएगा, 100 पंचे 500, 4 पंचे 20 200, 500 दो 700, 4 पंचे 20 720 ना, 5 बार ये कटा आपका कितना आ गया 20%। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होगे। इसको आप नोट्स में लिख लें और उसके बाद आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसमें 3 टाइप और बचे हैं, वो 3 टाइप मैं कराऊंगा। उसके बाद रेलवे में, क्योंकि लाभ और हानि से क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन लाभ हानि और बट्टा तीनों को मिला के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपका टाइप 9, 10, 11, 12, 4 टाइप बचे हैं, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में, उन क्वेश्चन की, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और ये 4 टाइप, इसको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तो बने रहिए तब तक, और तब तक आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं, कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।